मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में ये लगातार उनका 7वां बजट है, इसलिए भी यह बजट उनके लिए काफी खास मायने रखता है। ऐसे में बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत पहुंचाई है, ये हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता दें कि सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और इसमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों पर शुल्क मुफ्त कर दिया है। आइए जानते हैं कि इस नए बजट से क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके इसे 6% कर दिया है। इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। एक लिस्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार क्या चीजें सस्ती हुई और क्या महंगी। सोना चांदी सस्ता, प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी, कैंसर की दवाएं सस्ती, मोबाइल चार्जर हुआ सस्ता, मछली का भोजन भी हुआ सस्ता, वहीं चमड़े से बनी वस्तुएं भी सस्ती, रसायन पेट्रोलियम भी सस्ता, ईवी व्हीकल भी होगा अब सस्ता। अब हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें महंगी हुई है। तो महंगे सामानों की लिस्ट में PVC फ्लेक्स बैनर है जो महंगा हुआ है, वहीं टेलीकॉम उपकरण भी महंगे हो चुके हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।